नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। आज हमारी बहुत ही आसान से बहुत ही सिंपल सी है। तो क्या करना है, जो मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हम आपसे ऐसे ही रोज मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे देखिए मकई आ गई है खेतों से तोड़ के, तो सभी इसे छीलने में लगे हैं, यानी इसके दाने निकालने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इतना सारा छिला गया है, तो ये मकई अभी डायरेक्टली मेरे खेतों से आया है, तो इसे अम्मा जी देखिए सूप में पछोर के अभी साफ करेंगी। तो इस तरह से जो खेतों से आया रहता है तो साफ़ सुथरा किया जाता है, पहले छीला जाता है फिर उसे सूप में निकाला जाता है ताकि उसके दाने एकदम साफ हो जाएं। इसे सूप में पछोर के क्लीन कर लिया जाएगा। आज हम बनाएंगे मकई का नाश्ता जो बहुत ही मस्त लगता है और साथ ही बहुत हेल्दी नाश्ता रहता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमारे घर पर बनता है बस वैसे ही मैं शेयर कर रही हूँ आपसे ये वीडियो। ज़्यादा हम ताम झाम नहीं करते हैं, जो घर में रहता है बस उसी किसी किन्हीं चीज़ों से बना लेते हैं। तो यहाँ पे अम्मा जी इसे पछोड़ रही हैं अच्छे से ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। इस तरह से देख सकते हैं आप, तो ये जो मीठे मीठे दाने रहते बस हमने उसी को लिया है, कड़क वाले दाने नहीं लिए हैं। तो ये मीठा रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तभी ना स्वीट कॉर्न रेसिपी बोली जाती है। तो यहाँ पे ये अच्छे से साफ हो गया है, फिर इसे पछोरा जा रहा है, एक एक इसके दाने अलग कर रही हैं अम्मा जी। और यहाँ पे ये देखिए क्लीन हो गया है, तो इसे मैंने धो लिया है। अब क्या करूँगी, कढ़ाई में डालूँगी एक चम्मच तेल, ज़्यादा तेल का भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली बनाएंगे बस मिर्ची में। तो मिर्ची को लाल कर लेना है अच्छे से और फिर हम इस दाने को डाल देंगे, मकई के दाने को, और भुनेंगे इसे। तो ये अभी कोले कोले दाने यानी नरम नरम दाने हैं, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 2 से 3 मिनट यहाँ पे हम इसे पका लेते हैं अच्छे से, फिर हम इसमें थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल देंगे। और बहुत ही आसान सी सिंपल सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ पे मैंने चुटकी भर गरम मसाला डाल दिया, चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने चला दिया है, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं, चेंज हो चुका है। तो पीछे से हम इसके ऊपर चुटकी भर काली मिर्च डाल देंगे, तो इसे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा चाट रेडी हो गया है। तो सिंपल सी हमारी ये रेसिपी है, खाने में बहुत ही मस्त है और चाय के साथ इसे गर्म